हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ड्रॉ करके सिखाने वाला हूँ विराट कोहली की ये वाली फोटो का स्केच। बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आउटलाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, किस तरह से हम इस स्केच को स्टार्ट करेंगे और इसकी अच्छे से परफेक्ट आउटलाइन बनाएंगे और फिर इसमें शेडिंग करेंगे। ये रेफरेंस फोटो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप फोटो को भी डाउनलोड कर लेना और ट्यूटोरियल को अच्छे से फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आप बनाना। सो चलो अभी इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्केच को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने पेपर पे एक ऐसी ग्रिड बनानी है जिसमें होंगी 5 रोज़ और 4 कॉलम्स। रोज मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाली और कॉलम्स हो गए वर्टिकल वाले। तो 5 रोज़ है और 4 कॉलम्स है। इस ग्रिड में एक स्क्वायर की एक साइड 2 सेंटीमीटर की है, मतलब स्क्वायर की साइड सेम ही होती है, तो 2 सेंटीमीटर हमने एक स्क्वायर की मेजरमेंट ली है। हमेशा की तरह ये स्केच भी मैं A4 साइज के पेपर पे बना रहा हूँ, तो इसलिए 2 सेंटीमीटर का ही मैंने स्क्वायर लिया है। अगर A3 साइज का पेपर होगा तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेना। इस स्केच को मैं नोज से स्टार्ट करूँगा, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे ये फोटो है ये बिल्कुल फ्रंट से क्लिक की गई है, तो एक चीज़ हम इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारे ग्रिड की जो सेंटर लाइन होगी, मतलब जो ये वाली लाइन है, वो हम फेस की सेंटर लाइन अज्यूम कर सकते हैं। तो मतलब कि जैसे मैंने कहा कि मैं नोज से स्टार्ट करूँगा, तो सेंटर लाइन के इस तरफ हाफ नोज आएगा और इस तरफ हाफ नोज आएगा। ठीक है, तो चलो अब मैं नोज से स्टार्ट करूँगा इसको बनाना। सो नोज बनेगा बिल्कुल सेंटर में, मतलब कि मिडल वाली रो में मैं नोज बनाऊंगा। इस तरह से नोज की आउटलाइन बन जाएगी। अब मैं बनाऊंगा आईज और आईब्रोज, तो पहले आई बनाते हैं। नोज मैंने पहले इसलिए भी बनाया ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि आई के लिए कितना गैप छोड़ना है, कितना डिस्टेंस छोड़ के आई बनेगी। तो जैसे नोज के साथ अब थोड़ा सा लगभग इतना सा गैप छोड़ के आई बनानी है, तो ये मैं बनाना स्टार्ट करूंगा यहाँ से। अब आईब्रो की भी आउटलाइन बना लूंगा मैं, रफ आउटलाइन हल्की सी। अब इसी तरह से दूसरी आई और दूसरा आईब्रो बनाऊंगा मैं। अब आईब्रो के आउटलाइन बना लूंगा मैं। इस तरह से आईज, आईब्रोज और नोज की आउटलाइन हो जाएगी। अब हम ड्रॉ करेंगे मूछों के आउटलाइन और फिर लिप्स।
तो पहले मुंह से बना लेते हैं, जो कि नोज के बिल्कुल नीचे साथ साथ टच होके बन रही है। तो इस तरह से मूंछों की भी आउटलाइन बन जाएगी। अब लिप्स भी बना लेते हैं। तो अब बियर्ड की आउटलाइन बनाते हैं। तो यहां से फेस की पूरी आउटलाइन बना लूंगा अब मैं। तो थोड़ा बहुत बस ऑब्जर्व करूंगा कि कहां से कितना गैप छोड़ना है। जैसे आईब्रो से मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि यहाँ से लगभग इतना गैप छोड़ के इधर मैं हेयर बनाऊंगा, तो फेस की आउटलाइन अपने आप बन जाएगी। अब हेयर की भी आउटलाइन बना लूंगा मैं। अब कानों की आउटलाइन भी बना लूंगा मैं। यहाँ से थोड़ी शेप ठीक करनी है मुझे बियर्ड की। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो फेस की आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब बस नीचे नेक और थोड़ी सी जो जर्सी के कॉलर दिख रहे हैं वो हम बना लेंगे। अब बस इन ग्रिड लाइंस को इरेज कर देना है। सो ग्रिड लाइंस को मैंने इरेज कर लिया और आउटलाइन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जो इसमें थोड़ी बहुत छोटी सी मिस्टेक्स होंगी वो शेडिंग के टाइम ठीक हो जाएगी। जैसे कि अगर अभी लग रहा होगा कि यहाँ पे फेस की शेप जो है वो ज़्यादा पतली लग रही है या फिर नोज़ जो है वो ज़्यादा पतला लग रहा है, तो वो सब शेडिंग के टाइम ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब इसमें हम शेडिंग करेंगे बियर्ड की, तो तब हम प्रॉपर शेप बना देंगे नीचे की तरफ से भी ऊपर की तरफ से भी। तो अभी तो ये जस्ट रफ आउटलाइंस होती हैं ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि शेडिंग कहाँ पर करनी है। तो ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में मैं इसमें शेडिंग करूंगा और बताऊंगा कहाँ पे कौन सी पेंसिल्स यूज़ करनी है। इस पार्ट को फॉलो करके अच्छे से इसकी आउटलाइन बना लो। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इस तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैं बनाता रहता हूँ। और अगर ट्यूटोरियल को फॉलो करके ड्रॉ करके इसको पोस्ट करने वाले हो तो मेरे को टैग कर देना इंस्टाग्राम पे या जहाँ पे भी पोस्ट करोगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।